के जो इस बार अमीर देशों में भी 40-50 साल पहले फेल हो चुके हैं। यह सुधार थोड़ी जानकारी के लिए 40-50 साल पहला अमरीका के अंदर, कैनेडा के अंदर, यूरोप के अंदर लागू किए फेल हो गए हैं। उत्थे केवल 5% लोग ने जोड़े खेतीबाड़ी के बच्चे बाकी सारी खेतीबाड़ी छड़ के चले गए। आ साडा देश जोड़ा खेतीबाड़ी प्रधान देश है जिंदी आर्थिकता खेतीबाड़ी की आर्थिकता है 86% लोगों को दो तो लैके 5 एकड़ तक की जमीन है, पर सरकार का कानून यही है कि उन्होंने खेतीबाड़ी नॉन प्रॉफिटेबल है। उन्होंने खेतीबाड़ी चो कटो, वे कलस्टर बना दो 10-10 हजार एकड़ के, 5-5 हजार एकड़ के, उन्होंने कट के बेदखल करके जमीना को कारपोरेट घराने जमीना दे रहे हो। मैं सवाल करना चाहना, असी 11 गेड़ की गलबात के अंदर गल लंबी नहीं करनी क्यों मैं गलबात इफेक्टिवली शामिल हुआ। 11 गेड़ की गलबात के अंदर जो सू पूछा गया कि खेतीबाड़ी कानून कितने गलत ने, तो असी दो गलों का जवाब दिता सी। राजेवाल साहब से मैं दोवां ने दो का जवाब दिता सी। असी कहा कि पहला यह गैर संविधानक ने तुसी कानून बना ही नहीं सकते। साडे देश का संविधान जिदे अंदर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, जिहड़ी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जिहड़ी स्टेट लिस्ट के विच है, सेंटर को अधिकार नहीं उसने कानून बनाने का, पर कंकरेंट लिस्ट की संधि सूची है उसकी एंट्री देती जिहड़ी खेतीबाड़ी का तलक नहीं रखती, ट्रेड के कमर्स का तलक रखती है, उन्हें वरत के तुम साडे उपर कानून ठोस दिते, इसलिए कानून गैर संविधानिक है। दूजा असीं इह कहा कि जिन्हां कानूनों का उद्देश्य ही गलत होवे वो कानून किस तरह ठीक होए। कानूनों के सामने उद्देश लिखे ने, उन्होंने दो उद्देश लिखे बड़ी कढ़ना है। दूजा उद्देश यह लिखा कि खेतीबाड़ी पबलिक इन्वेस्टमेंट चाहिए है, पबलिक इन्वेस्टमेंट खेतीबाड़ी च है नहीं क्योंकि सरकार तो सारे पबलिक सैक्टर वेच रही है। सरकार ने तो रेलवे में बेच देना है 2023 के विच सरकार। इसलिए प्यारे साथियों कहते पैसा तो साडे कोल है नहीं। आ कोई समा सी देश की आजादी के बाद जो खेतीबाड़ी देश के कुल उत्पादन 60% योगदान सी। जी ये जो प्रदर्शन अज हो रहा लगातार डीसी ऑफिस चंडीगढ़ के बच्चे, तो इतने किसान जथेबंधियों हूँ जो मिलने लिए प्रशासन के अधिकारी आए हैं, उन्होंने वालों जोड़ा है किसान वालों एक मंग पत्र जो है तैयार किया गया है जो इस टाइम चल रहा लगातार प्रदर्शन सवेर तो डीसी ऑफिस के जो लगातार जोड़ा है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसान जथेबंधियों वालों, उन्होंने वालों मंग पत्र दिता जाएगा। प्रशासन के अधिकारी जोड़े है वो गलबात करने वास्ते आए हैं क्योंकि एक टाइम से 10 तो लैके 1 बजे तक का जो किसान जथेबंधियों ने मिथ्या से दरम्यान जोड़ा है सरकार अपनी जी मंगा पहुँचाने लिए डीसी ऑफिस के सामने जो 17 प्रदर्शन किया गया, तो हूँ गलबात कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारी उन्होंने नाल, तो जो एक मंग पत्र है वो पढ़ के दसिया जा रहा है। जी चार किसान शहीद हुए हैं, वो असं मंग की है सारी घटना की तो अदालती जांच होवे सिटिंग हाई कोर्ट का जितों। नंबर 2 जो अजय मिश्रा ने यूनियन स्टेट मिनिस्टर उन्होंने चंगा किया जाए। नंबर 3 वो लड़का तो वो जोड़े उसके गुंडे ने साथी ने उन्होंने 302 का मुकदमे दर्ज हो। नंबर 4 उनकी फौरी गिरफ्तारी हो। नंबर 5 मनोहर लाल खट्टर जिन्हें कल बड़ा भड़काऊ बयान दिता है उन्होंने फौरी चलता किया जाए। ये 5 मंगा जितिया ने सारे देश वालों सिंध किसान मोर्चे के सदे से डीसी दफ्तर सामने रोस धरने चल रहे हैं, ये मंग पत्र दे जा रहे हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह पंगू है, मैं लीगल पैनल सिंध किसान मोर्चे का कन्वीनर हाँ, तो आल इंडिया किसान फैडरेशन का प्रेजिडेंट हाँ। असी यह सारे किसानों मजदूरों नौजवानों औरतों वालों चंडीगढ़ की वक् वक् जथेबंदियों वालों ये मैंबरों को दें। सानू उम्मीद है कि तुसी जल्दी सिंह सरकार को भेज के इन्हों प्रति प्रॉपर ध्यान दोगे, इस पर कार्रवाई करोगे। बहुत धन्यवाद। बंद करो, बंद करो।
लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। हुण इन्हां दे वल्लों नारेबाजी की जा रही है और उहदे नाल ही जो है इस जिम्मे उन्होंने अपना मंग पत्र भी दिता है कि जिहड़ियां उन्होंने विच मंगा रखियां ने कि जिहड़े इस घटना के दोषी ने उन्होंने उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, कतल का जो है मामला दर्ज किया जाए। इस तो इलावा उन्होंने जोड़ा है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के CM ने उन्होंने भी अपने जोड़े अहदे तो लंबे करने की गल कही है कि जोड़ा उन्होंने लगातार बयान दिता से कि जोड़े किसानों के उत्ते लाठीचार्ज किया जाए तो उन्होंने वालों लगातार जोड़ा है ये मंग की जा रही है। सवेर तो जो धरना से ये प्रदर्शन सगा 10 बजे तो लैके इन्हों का 1 बजे का समा से कि इस तो दरमियान उन्होंने अपनी जी है पूरी मंगा भी रखिया ने एक लिखती जोड़ा है मेमोरेंडम जो उन्होंने एक लिखती पत्र जोड़ा है SDM दिता है ताकि जोड़े कार्रवाई की जाए। जे इन बखा सगिया उन्होंने उत्ते लगातार सरकार जे किसान जथेबंदियां बैठिया ने यह लगातार चला भी रही ने पर हम एक लिखती जोड़ा है मंग पत्र वो इन मार्फत सरकार को पुजा किया जाएगा। कैमरामैन हरविंदर के नाल मैं जगजीवन मीत चंडीगढ़। जिहड़ा सुधार अमीर देशों में भी 40-50 साल पहले फेल हो चुके हैं, यह सुधार तुहाडी जानकारी के लिए 40-50 साल पहला अमरीका के अंदर, कैनेडा के अंदर, यूरोप के अंदर लागू किए सी, फेल हो गए हैं। उत्थे केवल 5% लोग ने जिहड़े खेतीबाड़ी के विच ने, बाकी सारी खेतीबाड़ी छड़ के चले गए। आ साडा देश जिहड़ा खेतीबाड़ी प्रधान देश है, जिहदी आर्थिकता खेतीबाड़ी की आर्थिकता है, 86% लोगों को दो तो लैके 5 एकड़ तक की जमीन है, पर सरकार का कानून यही है कि उन्होंने खेतीबाड़ी नॉन प्रॉफिटेबल है, उन्होंने खेतीबाड़ी चो कटो, वे कलस्टर बना दो 10-10 हजार एकड़ के, 5-5 हजार एकड़ के, उन्होंने कट के बेदखल करके जमीना तो कारपोरेट घराने जमीना दे रहे हो। मैं सवाल करना चाहना, असी 11 गेड़ की गलबात के अंदर गल लंबी नहीं करनी क्यों मैं गलबात इफेक्टिवली शामिल होया। 11 गेड़ की गलबात के अंदर जब सानू यह पूछा गया कि खेतीबाड़ी कानून कितने गलत ने, तो असी 2 गल्लां का जवाब दिता सी, राजेवाल साहब तो मैं दोनों का जवाब दिता सी। असी कहा कि पहला यह गैर संविधानक ने, तुसी कानून बना ही नहीं सकते, साडे देश का संविधान जिहदे अंदर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, जिहड़ी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, जिहड़ी स्टेट लिस्ट के विच है, सेंटर नूं कोई अधिकार नहीं उसके कानून बनाने का, पर कंकरेंट लिस्ट की सांझी सूची है उहदी एंट्री 33 जिहड़ी खेतीबाड़ी नाल तलक नहीं रखती, ट्रेड के कमर्स नाल तलक रखती है, उहनूं वरत के तुसीं साडे उत्ते कानून ठोस दित्ते, इसलिए कानून गैर संविधानिक है। दूजा असीं इह कहा कि जिहना कानूनों का उद्देश ही गलत होवे वह कानून किस तरह ठीक हो, सारे पब्लिक सैक्टर बेच रही है, सरकार ने तो रेलवे नु बेच देना 2023 दे विच सरकार, इसलिए प्यारे साथियों कहिंदे पैसा तो साडे कोल है नहीं, आ कोई समां सी देश दी आजादी तो बाद जो खेतीबाड़ी देश के कुल उत्पादन 60% योगदान से कम। जी ये जो प्रदर्शन अज हो रहा लगातार DC ऑफिस चंडीगढ़ के बीच, तो इतने किसान जथेबंदियों हूँ जोड़े मिलने लिए प्रशासन के अधिकारी आए हैं, उन्होंने वालों जोड़ा है किसानों वालों एक मंग पत्र है तैयार किया गया है जोड़ा इस टाइम चल रहा लगातार प्रदर्शन सवेर तो DC ऑफिस के बीच जोड़ा लगातार जोड़ा है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसान जथेबंदियों वालों, उन्होंने वालों मंग पत्र दिता जाएगा प्रशासन के अधिकारी जोड़े है वो गलबात करने वास्ते आए हैं, क्योंकि एक टाइम से 10 तो लैके 1 बजे तक का जोड़ा किसान जथेबंदियों ने मिथ्या से दरम्यान जोड़ा है सरकार को अपनी जी मंगा पहुँचाने DC ऑफिस के सामने जो 17 प्रदर्शन किया गया
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SDM ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਤਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 5% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ 86% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਵੱਡੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 11 ਜੇਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
जिदे अंदर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, जिहड़ी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, जिहड़ी स्टेट लिस्ट दे विच है, सेंटर नूं कोई अधिकार नहीं उसने कानून बनाने का, पर कंकरेंट लिस्ट की संधि सूची है उहदी एंट्री देती, जिहड़ी खेतीबाड़ी नाल तलक नहीं रखती, ट्रेड दे कमर्स नाल तलक रखती है, उहनूं वरत के तुसीं साडे उत्ते कानून ठोस दित्ते, इसलिए कानून गैर संवैधानिक है। दूजा असीं इह कहा कि जिहड़ा कानूनां दा उद्देश ही गलत होवे ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹ ਕੱਢਣਾ, ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ देश की आजादी तो बाद जो खेतीबाड़ी देश के कुल उत्पादन उत्पादन 60% योगदान सी। जी ये जो प्रदर्शन अज हो रहा लगातार डीसी ऑफिस चंडीगढ़ के बीच, तो इतने किसान जथेबंधियों हूँ जो मिलने लिए प्रशासन के अधिकारी आए हैं, उन्होंने वालों जोड़ा है किसानों वालों एक मंग पत्र है तैयार किया गया है, जो इस टाइम चल रहा लगातार प्रदर्शन सवेर तो डीसी ऑफिस के बीच जरा लगातार जोड़ा है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसान जथेबंधियों वालों, उन्होंने वालों मंग पत्र दिता जाएगा। प्रशासन के अधिकारी जोड़े है वो गलबात करने वास्ते आए हैं, क्योंकि एक टाइम से 10 तो लैके 1 बजे तक का जो किसान जथेबंधियों ने मिथ्या से दरम्यान जोड़ा है सरकार अपनी जी मंगा पहुँचाने लिए डीसी ऑफिस के सामने जो 17 प्रदर्शन किया गया, तो हुण गलबात कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारी उन्होंने जोड़ा एक मंग पत्र है वो पढ़ के दसिया जा रहा है। जी चार किसान शहीद हुए हैं, वो असं मंग की है सारी घटना की तो अदालती जांच होवे सिटिंग हाई कोर्ट जज तो। नंबर 2 जो अजय मिश्रा ने यूनियन स्टेट मिनिस्टर उन्होंने चंगा किया जाए। नंबर 3 वो लड़का तो वो जो उसके गुंडे ने उसके साथी ने उन्होंने 302 का मुकदमा दर्ज हो। नंबर 4 उनकी फौरी गिरफ्तारी हो। नंबर 5 मनोहर लाल खट्टर जिन्हें कल बड़ा भड़काऊ बयान दिता है उन्होंने फौरी चलता किया जाए। यह 5 मंगा जिस कीतियां ने सारे देश वालों सिंध किसान मोर्चे के सद्दे ते डीसी दफ्तर सामने रोस धरने चल रहे हैं, ये मंग पत्र ते जा रहे हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह पंगू है, मैं लीगल पैनल सिंध किसान मोर्चे का कन्वीनर हाँ, तो ऑल इंडिया किसान फैडरेशन का प्रेजिडेंट हाँ। असी यह सारे किसान मजदूर नौजवान औरतों वालों चंडीगढ़ की वख-वख जथेबंदियों वालों ये मैंबर दिने, सानू उम्मीद है कि तुसी जल्दी सिंध सरकार को भेज के इन्हां प्रति प्रोपर ध्यान दोगे, इस पर कार्रवाई करोगे। बहुत जो है प्रदर्शन चल रहा है हूँ, इन्हों के वालों नारेबाजी की जा रही है और ही जो है इस टाइम उन्होंने अपना मंग पत्र भी दिता है कि जड़िया उन्होंने मंगा रखिया ने कि जेडे घटना के दोषी ने उन्होंने उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, कतल का जो मामला दर्ज किया जाए। इस तो इलावा उन्होंने जोड़ा है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के CM ने उन्होंने भी अपने जोड़े अहदे तो लंबे करने की गल कही है कि जो उन्होंने लगातार बयान दिता सी कि जो किसानों के उत्ते लाठीचार्ज किया जाए लाठीचार्ज किया जाए, तो उन्होंने वालों लगातार जोड़ा है ये मंग की जा रही है। सवेर तो जो धरना से यह प्रदर्शन सगा 10 बजे तो लैके इन्हों का 1 बजे का समा से कि इस तो ले दरमियान उन्होंने अपनी जी है पूरी मंगा भी रखी ने, तो एक लिखती जोड़ा है मेमोरेंडम जो उन्होंने एक लिखती पत्र जोड़ा है SDM दिता है ताकि जोड़े कार्रवाई की जाए, जोड़े इन दख मंगा सगिया उन्होंने उत्ते लगातार सरकार जोड़े किसान जथेबंधियां बैठिया ने यह लगातार चला भी रही, पर हूँ एक लिखती जोड़ा है मंग पत्र और इन्हों मार्फत सरकार को पुजा किया जाएगा। कैमरामैन हरविंदर के नाल मैं जगजीवन मीत चंडीगढ़।
ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 5% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ 86% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਵੱਡੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 11 ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 11 ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਮਰਸ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਬੜੀ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕੰਮ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨੰਬਰ 3 ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 4 ਉਹਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 5 ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ 5 ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੈ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਕਰੋ।
लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। हुण इन्हां दे वल्लों नारेबाजी की जा रही है और उहदे नाल ही जो है इस जिहनूं उन्होंने अपना मंग पत्र भी दिता है कि जिहड़ियां उन्होंने मंगा रखियां ने कि जिहड़े इस घटना के दोषी ने उन्होंने उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, कतल का जो है मामला दर्ज किया जाए। इस तो इलावा उन्होंने जोड़ा है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के CM ने उन्होंने भी अपने जोड़े अहदे तो लंबे करने की गल कही है कि जोड़ा उन्होंने लगातार बयान दिता से कि जोड़े किसानों के उत्ते लाठीचार्ज किया जाए तो उन्होंने वालों लगातार जोड़ा है ये मंग की जा रही है। सवेर तो जो धरना से ये प्रदर्शन सगा 10 बजे तो लैके इन्हों का 1 बजे का समा से कि इस तो दरमियान उन्होंने अपनी जी है पूरी मंगा भी रखिया ने एक लिखती जोड़ा है मेमोरेंडम जो उन्होंने एक लिखती पत्र जोड़ा है SDM दिता है ताकि जोड़े कार्रवाई की जाए। जोड़े इन दखा सगिया उन्होंने उत्ते लगातार सरकार जो किसान जथेबंदियां बैठिया ने यह लगातार चला भी रही ने पर हम एक लिखती जोड़ा है मंग पत्र वो इन मार्फत सरकार को पूजा किया जाएगा। कैमरामैन हरविंदर के नाल मैं जगजीवन मीत चंडीगढ़। ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 5% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ 86% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਵੱਡੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 11 ਜੇਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ क्यों मैं गलबात दे विच इफेक्टिवली शामिल होया। 11 गेड़ की गलबात के अंदर जदों सानू यह पूछा गया कि खेतीबाड़ी कानून कित्थे गलत ने तो असी 2 गल्लां का जवाब दिता सी। राजे वाह साहब तो मैं दोवां ने दोवां का जवाब दिता सी। असी कहा कि पहला यह गैर संविधानक ने तुसी कानून बना ही नहीं सकते। साडे देश का संविधान जिहदे अंदर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, जिहड़ी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, जिहड़ी स्टेट लिस्ट दे विच है, सेंटर नूं कोई अधिकार नहीं उसके कानून बनाउण दा। पर कंकरेंस लिस्ट दी सांझी सूची है उहदी एंट्री 33 जिहड़ी खेतीबाड़ी नाल तलक नहीं रखदी, ट्रेड ते कमर्स नाल तलक रखदी है, उहनूं वरत के तुसीं साडे उत्ते कानून ठोस दित्ते। इस लई कानून गैर संविधानिक है। दूजा असीं इह कहा कि जिहड़ा कानूनां दा उद्देश ही गलत होवे उह कानून किस तरह ठीक होवे। सारे पब्लिक सैक्टर बेच रही है, सरकार ने तो रेलवे नूं बेच देना 2023 दे विच। सरकार इसलिए प्यारे साथियों कहिंदे पैसा तो साडे कोल है नहीं। आ कोई समां सी देश दी आजादी तों बाद जो खेतीबाड़ी देश के कुल उत्पादन 60% योगदान सी। जी ये जो प्रदर्शन अज हो रहा लगातार DC ऑफिस चंडीगढ़ के तो इतने किसान जथेबंदियों हूँ जो मिलने लिए प्रशासन के अधिकारी आए हैं। उन्होंने वालों जोड़ा है किसानों वालों एक मंग पत्र जो है तैयार किया गया है जोड़ा इस टाइम चल रहा लगातार प्रदर्शन सवेर तो DC ऑफिस के जोड़ा लगातार जोड़ा है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसान जथेबंदियों वालों। उन्होंने वालों मंग पत्र दिता जाएगा प्रशासन के अधिकारी जोड़े है वो गलबात करने वास्ते आए हैं क्योंकि एक टाइम से 10 तो लैके 1 बजे तक का जोड़ा किसान जथेबंदियों ने मिथ्या से दरम्यान जोड़ा है सरकार अपनी जी मंगा पहुँचाने DC ऑफिस के सामने जो 17 प्रदर्शन किया गया
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SDM ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਤਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 5% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ 86% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਵੱਡੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 11 ਜੇਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
जिदे अंदर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, जिहड़ी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, जिहड़ी स्टेट लिस्ट दे विच है, सेंटर नूं कोई अधिकार नहीं उसने कानून बनाने का, पर कंकरेंट लिस्ट की संधि सूची है उहदी एंट्री कीती, जिहड़ी खेतीबाड़ी नाल तलक नहीं रखती, ट्रेड दे कमर्स नाल तलक रखती है, उहनूं वरत के तुसीं साडे उत्ते कानून ठोस दित्ते, इसलिए कानून गैर संवैधानिक है। दूजा असीं इह कहा कि जिहड़ा कानूनां दा उद्देश ही गलत होवे ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਬੜੀ ਉਹ ਕੱਢਣਾ। ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ देश की आजादी तो बाद जो खेतीबाड़ी देश के कुल उत्पादन उत्पादन 60% योगदान सी। जी ये जो प्रदर्शन अज हो रहा लगातार डीसी ऑफिस चंडीगढ़ के बीच, तो इतने किसान जथेबंधियों हूँ जो मिलने लिए प्रशासन के अधिकारी आए हैं, उन्होंने वालों जोड़ा है किसानों वालों एक मंग पत्र है तैयार किया गया है, जो इस टाइम चल रहा लगातार प्रदर्शन सवेर तो डीसी ऑफिस के बीच जरा लगातार जोड़ा है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसान जथेबंधियों वालों, उन्होंने वालों मंग पत्र दिता जाएगा। प्रशासन के अधिकारी जोड़े है वो गलबात करने वास्ते आए हैं, क्योंकि एक टाइम से 10 तो लैके 1 बजे तक का जो किसान जथेबंधियों ने मिथ्या से दरम्यान जोड़ा है सरकार अपनी जी मंगा पहुँचाने लिए डीसी ऑफिस के सामने जो 17 के प्रदर्शन किया गया, तो हूँ गलबात कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारी उन्होंने जोड़ा एक मंग पत्र है वो पढ़ के दसिया जा रहा है। जी चार किसान शहीद हुए हैं, वो असं मंग की है सारी घटना की तो अदालती जांच होवे सिटिंग हाई कोर्ट जज तो। नंबर 2 जो अजय मिश्रा ने यूनियन स्टेट मिनिस्टर उन्होंने चंगा किया जाए। नंबर 3 वो लड़का तो वो जो उसके गुंडे ने उसके साथी ने उन्होंने 302 का मुकदमा दर्ज हो। नंबर 4 उनकी फौरी गिरफ्तारी हो। नंबर 5 मनोहर लाल खट्टर जिन्हें कल बड़ा भड़काऊ बयान दिता है उन्होंने फौरी चलता किया जाए। यह 5 मंगा जिस कीतियां ने सारे देश वालों सिंध किसान मोर्चे के सद्दे ते डीसी दफ्तर सामने रोस धरने चल रहे हैं, ये मंग पत्र ते जा रहे हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह पंगू है, मैं लीगल पैनल सिंध किसान मोर्चे का कन्वीनर हाँ, तो ऑल इंडिया किसान फैडरेशन का प्रेजिडेंट हाँ। असी यह सारे किसान मजदूर नौजवानों औरतों वालों चंडीगढ़ की वख-वख जथेबंदियों वालों ये मैंबर दिने, सानू उम्मीद है कि तुसी जल्दी सिंध सरकार को भेज के इन्हां प्रति प्रोपर ध्यान दोगे, इस पर कार्रवाई करोगे। बहुत जो है प्रदर्शन चल रहा है, हूँ इन्होंने वालों नारेबाजी की जा रही है और ही जो है इस टाइम उन्होंने अपना मंग पत्र भी दिता है कि जड़िया उन्होंने मंगा रखिया ने कि जेडे घटना के दोषी ने उन्होंने उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, कतल का जो मामला दर्ज किया जाए। इस तो इलावा उन्होंने जोड़ा है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के CM ने उन्होंने भी अपने जोड़े अहदे तो लंबे करने की गल कही है कि जो उन्होंने लगातार बयान दिता से कि जो किसानों के उत्ते लाठीचार्ज किया जाए लाठीचार्ज किया जाए, तो उन्होंने वालों लगातार जोड़ा है ये मंग की जा रही है। सवेर तो जो धरना से यह प्रदर्शन सगा 10 बजे तो लैके इन्हों का 1 बजे का समा से कि इस तो ले दरमियान उन्होंने अपनी जी है पूरी मंगा भी रखी ने, तो एक लिखती जोड़ा है मेमोरेंडम जो उन्होंने एक लिखती पत्र जोड़ा है SDM दिता है ताकि जोड़े कार्रवाई की जाए, जोड़े इन दख मंगा सगिया उन्होंने उत्ते लगातार सरकार जोड़े किसान जथेबंधियां बैठिया ने यह लगातार चला भी रही, पर हूँ एक लिखती जोड़ा है मंग पत्र वो इन्हों मार्फत सरकार को पुजा किया जाएगा। कैमरामैन हरविंदर के नाल मैं जगजीवन मीत चंडीगढ़।
जोड़ा सुधार अमीर बरसा ने भी 40-50 साल पहले फेल हो चुके हैं। ये सुधार थोड़ी जानकारी के लिए 40-50 साल पहला अमरीका के अंदर, कैनेडा के अंदर, यूरोप के अंदर लागू किए फेल हो गए हैं। उत्थे केवल 5% लोग ने जोड़े खेतीबाड़ी के बच्चे बाकी सारी खेतीबाड़ी छड़ के चले गए। आ साडा देश है जोड़ा खेतीबाड़ी प्रधान देश है जिंदी आर्थिकता खेतीबाड़ी की आर्थिकता है 86% लोगों को दो लैके 5 एकड़ तक की जमीन है पर सरकार का कानून यही है कि उन्होंने खेतीबाड़ी नॉन प्रॉफिटेबल है। उन्होंने खेतीबाड़ी चो कटो वे कलस्टर बना दो 10-10 हजार एकड़ के 5-5 हजार एकड़ के उन्होंने कड के बेदखल करके जमीना तो कारपोरेट घराने जमीना दे रहे हो। मैं सवाल करना चाहना असी 11 गेड़ की गलबात के अंदर गल लंबी नहीं करनी क्यों मैं गलबात इफेक्टिवली शामिल हुआ 11 गेड़ की गलबात के अंदर जो सू पूछा गया कि खेतीबाड़ी कानून कितने गलत ने तो असी दो गलों का जवाब दिता सी राजेवाल साहब से मैं दोवे ने दो का जवाब दिता सी। असी कहा कि पहला यह गैर संविधानक ने तुम कानून बना ही नहीं सकते साडे देश का संविधान जिदे अंदर यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है एक कंकरेंट लिस्ट है जिहड़ी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जिहड़ी स्टेट लिस्ट के विच है सेंटर को अधिकार नहीं उसके कानून बनाने का पर कंकरेंट लिस्ट की संधि सूची है उसकी एंट्री देती जिहड़ी खेतीबाड़ी नाल तलक नहीं रखती ट्रेड के कमर्स नाल तलक रखती है उन्हें वरत के तुम साडे उत्ते कानून ठोस दिते इसलिए कानून गैर संविधानिक है। दूजा असी यह कहा कि जिन्हों कानूनों का उद्देश्य ही गलत हो कानून किस तरह ठीक हो कानूनों के सामने उद्देश लिखे ने उन्होंने दो उद्देश लिखे बड़ी जो कढ़ना है दूजा उद्देश यह लिखा कि खेतीबाड़ी पबलिक इन्वेस्टमेंट चाहिए है पबलिक इन्वेस्टमेंट खेतीबाड़ी च है नहीं क्योंकि सरकार तो सारे पबलिक सैक्टर वेच रही है सरकार ने तो रेलवे को बेच देना है 2023 के इसलिए प्यारे साथियों कहते पैसा तो साडे कोल है नहीं आ कोई समा सी देश की आजादी तो बाद जो खेतीबाड़ी देश के कुल उत्पादन के 60% योगदान सी काम जी। ये जो प्रदर्शन अज हो रहा लगातार डीसी ऑफिस चंडीगढ़ के तो इतने किसान जथेबंदियों हूँ जी मिलने लिए प्रशासन के अधिकारी आए हैं उन्होंने वालों जोड़ा है किसानों वालों एक मंग पत्र है तैयार किया गया है जोड़ा इस टाइम चल रहा लगातार प्रदर्शन सवेर तो डीसी ऑफिस के जो लगातार जोड़ा है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसान जथेबंदियों वालों उन्होंने वालों मंग पत्र दिता जाएगा प्रशासन के अधिकारी जोड़े है वो गलबात करने वास्ते आए हैं क्योंकि एक टाइम से 10 to 1 PM तक का जो किसान जथेबंदियों ने मिथ्या से दरम्यान जोड़ा है सरकार को अपनी जी मंगा पहुँचाने लिए डीसी ऑफिस के सामने जरा 17 प्रदर्शन किया गया तो हूँ गलबात कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारी उन्होंने नाल तो जोड़ा एक मंग पत्र है वो पढ़ के दसिया जा रहा है जी चार किसान शहीद हुए ने मंग की है सारी घटना की अदालती जांच होवे सिटिंग हाई कोर्ट का जिसमें नंबर दो जो अजय मिश्रा ने यूनियन स्टेट मिनिस्टर उन्होंने चंगा किया जाए नंबर तीन वह लड़का तो जोड़े उसके गुंडे ने उसके साथी ने उन्होंने 302 का मुकदमे दर्ज हो नंबर चार उनकी फौरी गिरफ्तारी हो नंबर पांच मनोहर लाल खट्टर जिन्हें कल बड़ा भड़काऊ बयान दिता है उन्होंने फौरी चंगा किया जाए ये पांच मंगा जितिया ने सारे देश वालों सिंध किसान मोर्चे के सदे से डीसी दफ्तर सामने रोस धरने चल रहे हैं ये मंग पत्र दे जा रहे हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह पंगू है मैं लीगल पैनल सिंध किसान मोर्चे का कन्वीनर हाँ तो ऑल इंडिया किसान फैडरेशन का प्रेजिडेंट हाँ असी यह सारे किसानों मजदूरों नौजवानों औरतों वालों चंडीगढ़ की वक् वक् जथेबंदियों वालों ये मेमोरेंडम दें सानू उम्मीद है कि तुम जल्दी सिंह सरकार को भेज के इन प्रति प्रोपर ध्यान दोगे इस पर कार्रवाई करोगे बहुत बंद करो
लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। हुण इन्हां दे वल्लों नारेबाजी की जा रही है और उहदे नाल ही जो है इस जिम्मे उन्होंने अपना मंग पत्र भी दिता है कि जिहड़ियां उन्होंने विच मंगा रखियां ने कि जिहड़े इस घटना के दोषी ने उन्होंने उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, कतल का जो है मामला दर्ज किया जाए। इस तो इलावा उन्होंने जोड़ा है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के CM ने उन्होंने भी अपने जोड़े अहदे तो लंबे करने की गल कही है कि जोड़ा उन्होंने लगातार बयान दिता से कि जोड़े किसानों के उत्ते लाठीचार्ज किया जाए तो उन्होंने वालों लगातार जोड़ा है ये मंग की जा रही है। सवेर तो जो धरना से ये प्रदर्शन सगा 10 बजे तो लैके इन्हों का 1 बजे का समा से कि इस तो दरमियान उन्होंने अपनी जी है पूरी मंगा भी रखिया ने एक लिखती जोड़ा है मेमोरेंडम जो उन्होंने एक लिखती पत्र जोड़ा है SDM दिता है ताकि जोड़े कार्रवाई की जाए। जोड़े इन दखा सगिया उन्होंने उत्ते लगातार सरकार जोड़े किसान जथेबंदियां बैठिया ने यह लगातार चला भी रही ने पर हम एक लिखती जोड़ा है मंग पत्र वो इन्होंने मार्फत सरकार को पुजा किया जाएगा। कैमरामैन हरविंदर के नाल मैं जगजीवन मीत चंडीगढ़। जिहड़ा सुधार अमीर देशों में भी 40-50 साल पहले फेल हो चुके हैं, यह सुधार तुहाडी जानकारी के लिए 40-50 साल पहला अमरीका के अंदर कैनेडा के अंदर यूरोप के अंदर लागू किए फेल हो गए हैं। उत्थे केवल 5% लोग ने जिहड़े खेतीबाड़ी के विच ने बाकी सारी खेतीबाड़ी छड़ के चले गए। आ साडा देश जिहड़ा खेतीबाड़ी प्रधान देश है जिहदी आर्थिकता खेतीबाड़ी की आर्थिकता है 86% लोगों को दो तो लैके 5 एकड़ तक की जमीन है पर सरकार का कानून यही है कि उन्होंने खेतीबाड़ी नॉन प्रॉफिटेबल है, उन्होंने खेतीबाड़ी चो कटो वे कलस्टर बना दो 10-10 हजार एकड़ के 5-5 हजार एकड़ के उन्होंने कट के बेदखल करके जमीना तो कारपोरेट घराने जमीना दे रहे हो। मैं सवाल करना चाहना असी 11 गेड़ की गलबात के अंदर गल लंबी नहीं करनी क्यों मैं गलबात इफेक्टिवली शामिल होया 11 गेड़ की गलबात के अंदर जब सू पूछा गया कि खेतीबाड़ी कानून कितने गलत ने तो असी दो गलों का जवाब दिता सी राजे वार साहब से मैं दो जवाब दिता सी असी कहा कि पहला यह गैर संविधानक ने तुसी कानून बना ही नहीं सकते साडे देश का संविधान जिहदे अंदर यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है एक कंकरेंट लिस्ट है जिहड़ी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जिहड़ी स्टेट लिस्ट के विच है सेंटर नूं कोई अधिकार नहीं उसने कानून बनाने का पर कंकरेंस जिहदे संझी सूची है उहदी एंट्री 33 जिहड़ी खेतीबाड़ी नाल तलक नहीं रखती ट्रेड के कमर्स नाल तलक रखती है उहनूं वरत के तुसीं साडे उत्ते कानून ठोस दित्ते इसलिए कानून गैर संविधानिक है। दूजा असीं इह कहा कि जिहना कानूनों का उद्देश ही गलत होवे उह कानून किस तरह ठीक होवे सारे पबलिक सैक्टर बेच रही है सरकार ने तो रेलवे नु बेच देना 2023 दे विच सरकार इसलिए प्यारे साथियों कहिंदे पैसा तो साडे कोल है नहीं आ कोई समां सी देश की आजादी तो बाद जो खेतीबाड़ी देश के कुल उत्पादन 60% योगदान से जी। ये जो प्रदर्शन अज हो रहा लगातार DC ऑफिस चंडीगढ़ के विच तो इतने किसान जथेबंदियों हूँ जोड़े मिलने लिए प्रशासन के अधिकारी आए हैं उन्होंने वालों जोड़ा है किसानों वालों एक मंग पत्र है तैयार किया गया है जोड़ा इस टाइम चल रहा लगातार प्रदर्शन सवेर तो DC ऑफिस के जोड़ा लगातार जोड़ा है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसान जथेबंदियों वालों उन्होंने वालों मंग पत्र दिता जाएगा प्रशासन के अधिकारी जोड़े है वो गलबात करने वास्ते आए हैं क्योंकि एक टाइम से 10 तो लैके 1 बजे तक का जोड़ा किसान जथेबंदियों ने मिथ्या से दरम्यान जोड़ा है सरकार को अपनी जी मंगा पहुँचाने DC ऑफिस के सामने जो 17 प्रदर्शन किया गया
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SDM ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਤਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ